आपका स्वागत है। आप सभी को हमारी मूलभूत जरूरतों के विषय में जरूर पता होगा। आज हम हमारी मूल जरूरतों में से एक जरूरत पर बात करेंगे, वस्त्र। हम सभी कपड़े पहनते हैं। कपड़ों का प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, जरा सोचिए। आप ठीक सोच रहे हैं। घर में पर्दे, मेजपोश, पतले कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल, तौलिए आदि कई प्रकार के कपड़े होते हैं। क्या सभी कपड़े एक जैसे होते हैं? मेरे पास कुछ कपड़े हैं, इन्हें मैं छूकर देखती हूँ। ये सभी भिन्न भिन्न हैं। आप भी अपने आसपास उपलब्ध कपड़ों को छूकर देखिए। आप कैसा महसूस करते हैं? है ना ये अलग अलग? जैसे यह एक सूती कपड़ा है, यह ऊनी कपड़ा, ये रेशमी और ये नायलॉन। आइए अब इनमें से एक कपड़ा लेते हैं। मैं इस सुई की मदद से एक धागा इसमें से खींचती हूँ। इसी तरह आप भी करके देखिए। क्या आपको बहुत सारे तागे कपड़े में नजर आ रहे हैं? ध्यान से देखिए। इससे आप क्या समझे? बिल्कुल सही। कपड़ा बहुत सारे तागों को एक साथ व्यवस्थित करने से बना है। पर ये तागे किससे बनते हैं? जरा सोचिए। आइए देखते हैं। मैं इस तागे को मेज पर रखकर अंगूठे से खरोचती हूं। आप भी कर रहे हैं ना? आपने क्या देखा?
क्या पतली पतली लड़ियां दिखाई दे रही हैं? आइए इस लेंस की मदद से देखते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है? जब आप सुई में धागा पिरोते हैं तो कभी कभी धागा इसी प्रकार पतली पतली लड़ियों में बंट जाता है और सुई में धागा डालना मुश्किल हो जाता है। धागे की ये पतली पतली लड़ियां और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हिंदी में तंतु और अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तंतु आते कहां से हैं? आइए देखते हैं। जी हाँ, ये कुछ स्रोतों के चित्र हैं जो आपने देखे। इनमें से कुछ जंतुओं के थे और कुछ पौधों के। ये कुछ उदाहरण हमने दिखाए जिनसे हमें तंतु मिलता है। इन्हें हम तंतु के प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जरा बूझिए कि रेशमी तंतु जंतु से मिलता है या पौधे से? हमारे पास जो नायलॉन का वस्त्र है, क्या इसके तंतु भी पौधों या जंतुओं से मिलते हैं? नहीं, ये मानव निर्मित तंतु है। इन्हें संश्लेषित तंतु भी कहा जाता है। ये रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। तो आज हमने जाना कि कपड़ा तंतुओं से मिलकर बनता है, जो या तो प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है, जैसे जीव जंतु और पेड़ पौधे, या रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है। अब आप अपने आसपास मौजूद कपड़ों को देखिए और उसके स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए।